प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज काशी दौरा तय किया गया है। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। काशी को देंगे 2100 करोड़ की सौगात। बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही 1,07,000 से अधिक दूध उत्पादकों को इससे फायदा होगा। आपको बताते चलें कि 35 करोड़ का बोनस डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित भी करेंगे पीएम मोदी। आपको बताते चलें कि पीएम मोदी आज वाराणसी जौनपुर रोड पर स्थित करखियाव में अमूल डेयरी प्लांट सहित 2,095 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का उपहार अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे। इसके साथ ही वो राष्ट्र और राज्य स्तर पर 3 विकास कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत राज्य के 20 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड और घरौनी का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। पीएम मोदी की आज की यात्रा को लेकर सुरक्षा की सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं पीएम मोदी महज 10 दिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले तो आज का जो वाराणसी दौरा है पीएम मोदी का, इस दौरान तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी बनारस पिंडरा में करखिया ब्लॉक में अमूल प्लांट का शिलान्यास रखेंगे, जो कि 65 एकड़ के अंतर्गत है और इसमें 500 करोड़ की लागत से अमूल प्लांट का यहाँ पे 1.5 से 2 साल में यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पे उसका शिलान्यास करेंगे। और अहम बात ये होती है पूजा कि पांच परियोजनाओं का शिलान्यास खुद करेंगे और 22 परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे उनकी सुरक्षा की तमाम व्यवस्था जो थी वो पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे होल्डिंग बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे होल्डिंग बोर्ड से पूरे बनारस को लगभग छा दिया गया है और पूरा यहाँ पे ये पिंडरा ब्लॉक को पूरा ऐसी छावनी तरफ छा दिया है। पूजा बिल्कुल सचिन, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज पीएम मोदी 2095 करोड़ रुपए की सौगात देंगे आज जनता को, कहीं ना कहीं चुनाव के लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक है वैसे वैसे पीएम मोदी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर अपने संसदीय क्षेत्र को और ज्यादा विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा 2022 का चुनाव एक बहुत अहम है, बनारस की सीट पे हर किसी की नजर है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है बनारस। और लगातार 13 तारीख को काशी कॉरिडोर का लोकार्पण, फिर 23 तारीख को प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा, कहीं ना कहीं अहम है। 2022 का चुनाव है हर पूरे देश और प्रधानमंत्री इसकी सौगात से जनता को अपनी तरफ ऐसा मान ले के आकर्षित करना चाहते हैं और 2022 के चुनाव को देखते हुए लगातार तबातोड़ दौरे पीएम के लगातार बनारस में चल रहे हैं और सौगात से सौगात दिए जा रहे हैं। पूजा बिल्कुल, आज एक डेयरी का उद्घाटन तो पीएम मोदी द्वारा किया ही जाएगा, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं? डेयरी का उद्घाटन है और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपकी 5 परियोजनाएं का खुद से शिलान्यास करेंगे, 22 परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूर पे देनिया बाग एक जगह पड़ती है बनारस में, गदोलिया से नियर में है, उसका ऐसा संभावित माना जा रहा है कि उसका वर्चुअल वो यहाँ से उसका देखेंगे। पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सचिन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर बात वाराणसी की जाए तो अपने प्रचंड हिंदुत्व के लिए वाराणसी काफी ज्यादा जाना जाता है और लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए पीएम मोदी जो भी वादे करते हैं उसको पूरा करते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि वाराणसी का सपोर्ट जो है इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी की ओर रुख करेगा? बिल्कुल, इस बार हिंदुत्व की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी और प्रधानमंत्री की पूरी नजर है 2022 को देखते हुए। सीएम का लगातार दौरा, योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा और जब जब दौरे पे आए काशी कॉरिडोर और ऐसी सारी सौगातों को लेकर के जनता के बीच में आए। 2022 के चुनाव में हिंदुत्व का पूरा बीजेपी, जब हम लोगों ने बात की कई लोगों से, तो बीजेपी इस समय पूर्ण बहुमत लग रही है। चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।